दोस्तों, आपने साल 2013 में छोटे पर्दे पर प्रसारित हुआ बेहद रोमांचक सीरियल बानी इश्क दा कलमा तो जरूर देखा होगा, जो कि कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया था। ये सीरियल बानी नाम की एक पंजाबन लड़की पर आधारित था, जो अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रहती है और अपनी फैमिली के कहने पर एक एनआरआई लड़के से शादी कर लेती है, जिसके चलते बानी के प्रेमी की शादी बानी की ही बहन रज्जी से करवा दी जाती है। और सीरियल की यही स्टोरी दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल साबित रही थी। साथ ही सीरियल के स्टार कास्ट ने भी अपने अपने किरदारों को बेहद खूबसूरती से निभाया था और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को खत्म हुए तकरीबन 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में बानी और रज्जू का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्रियां काफी ज्यादा बदल गई हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल सा लगता है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बानी और रज्जू का किरदार निभाने वाली इन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाने वाले हैं, जो आज पहले से काफी ज्यादा बदल गई हैं। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही टीवी इंडस्ट्री के इस लोकप्रिय सीरियल के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल बानी इश्क दा कलमा में बानी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम शेफाली शर्मा है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1987 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था और इन्होंने डीएवी स्कूल अमृतसर से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। अगर बात करें इस बेहतरीन अभिनेत्री के एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपना सीरियल बानी इश्क दा कलमा से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने बानी की जबरदस्त भूमिका निभाकर दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी थी। और इसी शानदार अभिनय प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें और भी कई सीरियल्स में काम करने का गोल्डन चांस मिला, जिसके बाद इन्होंने तेरे बिन और तुम ऐसे ही रहना जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। साथ ही साथ इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, जिसके चलते आज इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सीरियल में बानी की बहन रज्जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम नेहा बग्गा है, जिनका जन्म 19 मार्च 1991 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। हालांकि इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से कंप्लीट की, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पंजाब से ही ली है। बात करें इस टैलेंटेड एक्ट्रेस के एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत सीरियल बानी इश्क दा कलमा से ही की थी और अपने इस किरदार से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, जिसके चलते इनके इस किरदार को दर्शक आज भी बखूबी याद रखते हैं। और इनके इसी शानदार जज्बे को देखते हुए इन्हें और भी कई टीवी सीरियल्स में काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने मेरे दिल की लाइफलाइन जैसे कई सीरियल्स में काम किया, जिसके चलते आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर आज सीरियल बानी इश्क दा कलमा को खत्म हुए तकरीबन 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में बानी और रज्जू का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्रियां भी काफी ज्यादा बदल गई हैं। जहां बानी का जबरदस्त किरदार निभाने वाली अभिनेत्री शेफाली शर्मा ने आज अपने 33 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो वहीं रज्जू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नेहा बग्गा 29 साल की हो गई हैं। बात करें शेफाली शर्मा की, तो वो आज पहले के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं। इन्होंने सीरियल बानी इश्क दा कलमा में काम करने के बाद से ही वरुण शेट्टी के साथ अपना घर बसा लिया था और फिलहाल अपने हस्बैंड वरुण शेट्टी के साथ पंजाब में रह रही हैं। लेकिन इन बीते सालों में वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं, जो स्टाइल में रहना पसंद करती हैं। हालाँकि अक्सर सिंपल लुक में नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अक्सर इनका हॉट और ग्लैमरस अवतार देखने को मिल ही जाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जो हाल ही में आई फिल्म शुभोदयम में अभिनय करती दिखाई दी थी। वहीं सीरियल में रज्जू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नेहा बग्गा भी आज पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है और वो आज भी पहले की तरह सिंगल ही हैं, जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुना है। और वो सीरियल में जिस अंदाज में नजर आई थी, वो असल लाइफ में उससे बिल्कुल अलग है और अपनी लाइफ बिंदास तरीके से जीना पसंद करती हैं, जिन्हें अक्सर सिंपल अंदाज में ही देखा जाता है, जैसा कि आप इनके तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। इन्होंने सीरियल बानी इश्क दा कलमा में काम करने के 6 साल बाद आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें लास्ट टाइम सीरियल सावित्री देवी कॉलेज हॉस्पिटल में सहायक अभिनेत्री के तौर पर डॉक्टर प्रज्ञा यादव का किरदार निभाते हुए देखा गया था। आपको सीरियल बानी इश्क दा कलमा में इन दो खूबसूरत अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की अदाकारी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।